हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? यू आर अगेन वेलकम इन दिस नेक्स्ट वीडियो ऑफ टिश्यूज, चैप्टर नंबर 6 फॉर क्लास 9th. स्टूडेंट्स, इन अर्लियर वीडियो वी हैव डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बट इन दिस वीडियो वी डिस्कस ओनली द सिंपल परमानेंट टिश्यू. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू. व्हाट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू? बिफोर डिस्कसिंग इट, वी मस्ट सी दिस चार्ट. सो लुक ऑन द स्क्रीन. यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know that what are the permanent tissues. So permanent tissues, as you are looking here, permanent means stable, means these tissue, they are stable and they don't divide, means the tissues which have lost the capacity of cell division are called permanent tissues. So you are looking here, these are permanent tissues. Permanent tissue are categorized into two parts, simple permanent tissues and complex permanent tissue. What is simple permanent tissue? So students, you know, when the tissues are made up of similar cells, when tissues are made up of similar type of cells, they are called simple permanent tissues. And tissues which are of different type of cell are known as the complex permanent tissues. So I think you are understanding well. So students, simple permanent tissues again categorized into three part: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. And complex permanent tissues are categorized into two part: xylem and phloem. So students, these are the categorization of permanent tissue, and this is the overview, overall the overview of permanent tissue what we are going to study. So let's discuss in detail what are the simple permanent tissue. Students, in simple permanent tissue, I have told you that these are of three type: parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. ये तीन type के होते हैं simple permanent tissue. तो उसमें हम लोग को एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ना है. तो इसमें आप लोग फिगर भी देख रहे होंगे, ये आपके NCERT के ही फिगर हैं जो आप लोग NCERT में पढ़ते हैं. तो देखिए, आपका ये parenchyma है, ये collenchyma है और ये sclerenchyma है. अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम लोग पेरेंकाइमा के बारे में बात करते हैं. अब क्या होता है पेरेंकाइमा, तो उसको समझ लेते हैं. देखिए, ऐसा टिशू जो परमानेंट हो, मींस जो डिवाइड ना करे, एक बार बन गया उसके बाद डिवीजन ना करे. ये डिवीजन करता है लेकिन बहुत रेयर केसेस में करता है, ये आप 11 क्लास में पढ़ेंगे. लेकिन अभी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इससे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं. मैं इसको डिक्टेट कर देता हूँ. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल. मतलब ये ऐसा परमानेंट टिशू होता है, ऐसा सिंपल परमानेंट टिशू होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं. देखिए, सारी सेल लगभग एक ही जैसी हैं और ये दिखने में सब एक जैसी सेल हैं, तो इसीलिए ये सिंपल टिशू है. लेकिन ये डिवाइड नहीं करता है, तो इसीलिए इसके आगे हम जोड़ देंगे परमानेंट. यानी परमानेंट टिशू का एक टाइप है जिसको हम लोग पेरेंकाइमा कह रहे हैं. तो ये पेरेंकाइमा कैसा होता है, इसकी वॉल थिन होती है और ये लाइव टिश्यू होते हैं, मतलब लिविंग टिश्यू होते हैं, डेड नहीं होते हैं. दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, यानी कि ये लूजली पैक्ड होते हैं. लूजली पैक्ड होने की वजह से इनके बीच में आप लोग जो वाइटिस वाइटिस कलर का ये जगह जगह आप देख रहे हैं, ये इनमें सेलुलर स्पेस, यानी कि सेल के जुड़ने की जगह पर थोड़ा थोड़ा स्पेस बच जाता है. तो इंटर सेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट. तो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट है. सो द लार्ज स्पेसिस बिटवीन सेल इंटर सेलुलर स्पेसिस आर फाउंड. अब फंक्शन क्या होता है पेरेंकाइमा का? पेरेंकाइमा का फंक्शन होता है, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड. इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेंकाइमा. अब देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये क्या करता है, इसका मेन काम, आप कहीं भी पेरेंकाइमा पढ़ेंगे तो पेरेंकाइमा फूड स्टोर करने का काम कंपल्सरीली करेगा. ये फूड स्टोर करने का काम करता है. फिर इसमें कुछ कंडीशन में, अब पेरेंकाइमा हर जगह तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, लेकिन मोस्टली केसेस में फोटोसिंथेसिस करता है. क्यों? आप लोग देख रहे हैं इसका जो एक हमने डिटेल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें जगह जगह आपको ये जो ये ग्रेन्यूल्स टाइप के, ये पॉइंट्स टाइप के नज़र जो आ रहे हैं, ये क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट हैं. तो क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये आपको मैंने पहले बताया है. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेंकाइमा.
जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है, यही पेरेंकाइमा दो टाइप का होता है। एक हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक हम लोग इसको कहते हैं क्लोरेंकाइमा, यानी कि इसके भी दो पार्ट हम लोग बना सकते हैं। और ये एक तो क्लोरेंकाइमा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा एरेंकाइमा। तो एरेंकाइमा और क्लोरेंकाइमा क्या होते हैं ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। क्लोरेंकाइमा, तो देखो क्लोरो टर्म आया है स्टूडेंट्स, क्लोरो टर्म आने की वजह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। क्लोरो टर्म क्यों आया है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस जरूर करता है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है जो पेरेंकाइमा, उसको हम क्लोरेंकाइमा कहते हैं। अब एरेंकाइमा क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ टिश्यूज मतलब कुछ प्लांट में ये टिश्यू क्या करता है, ये लूजली अरेंज हो जाता है, यानी कि इस तरह से ये बहुत दूर दूर ये सेल्स अरेंज होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब ये इस तरह से बहुत दूर दूर अरेंज होती हैं, तो इनके बीच में देखिए एयर स्पेस बच जाता है। तो एयर स्पेस बचने की वजह से ही ये भी एयर स्पेस है और ये भी एयर स्पेस है, ये भी एयर स्पेस है। तो ये एयर स्पेस होने की वजह से ही इस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, एरेंकाइमा। क्या कहते हैं, एरेंकाइमा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए ये लिखा है, ये देखिए यहाँ पर एरेंकाइमा इन एक्वेटिक प्लांट्स। मेनली ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एक्वेटिक प्लांट्स में, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट जो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पर, तो वाटर सरफेस पर फ्लोट करने के लिए उनका वेट कैसा होना चाहिए, लाइट। तो लाइट वेट कब होगा, जब उसके अंदर एयर चैम्बर प्रेजेंट होंगे। तो ये पेरेंकाइमा एयर चैम्बर बनाता है। इस तरह से एयर चैम्बर जब बनाता है और इसके अंदर एयर भरी रहती है, तो अब ये हल्का हो जाता है, लाइट वेटेड हो जाता है, तो इसीलिए आसानी से सरफेस पर फ्लोट कर पाता है। तो ये एक्वेटिक प्लांट जितने भी होते हैं जो सरफेस पर फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, तो वो तैरते इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए एक ट्यूब में हवा भर के और हम लोग उसको अपने बॉडी में फंसा करके पानी में जब उतर जाते हैं तो हम लोग तैरते रहते हैं, इसी तरह से ये टिश्यू भी जिसके अंदर एयर स्पेस होते हैं, एयर चैम्बर होते हैं, उसके अंदर एयर भरी होती है, जिसकी वजह से प्लांट आसानी से सतह पर तैर पाता है। तो अब स्टूडेंट्स पेरेंकाइमा को अच्छे से समझ गए होंगे। ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या इसकी पहचान होती है, क्या खास बात होती है, और ये इसके फंक्शन हो गए। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये फोटोसिंथेसिस करता है, फूड स्टोर करता है, और फ्लोटिंग में हेल्प करता है प्लांट्स को। इसका ये स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, देखिए एक इसका वर्टिकल सेक्शन है सेल्स का, तो इसमें साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, सेल वैक्यूल बड़ी सी दिख रही है, ये आपको जगह जगह क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, फिर उसके बाद बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेसिस भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरह से आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लोरिनकाइमा पर। क्लोरिनकाइमा क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से इसको देखिए, कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को देखिए और एंड तक देखिए। कॉलिंगकाइमा क्या होता है, कॉलिंगकाइमा एक ऐसा परमानेंट टिशू है, यह भी सिंपल परमानेंट टिशू है। क्यों, क्योंकि देखिए सारी सेल एक जैसी हैं, ये देखिए सारी सेल एक जैसी हैं, इसीलिए सिंपल है और परमानेंट इसलिए क्योंकि एक बार बनने के बाद ये डिवाइड नहीं करता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिशू कहते हैं। तो कॉलिंगकाइमा भी एक सिंपल परमानेंट टिशू है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसको ध्यान से समझिए। देखिए ये जो कॉलिंगकाइमा है, तो उसमें जो सेल्स हैं वो लिविंग होती हैं, लेकिन लिविंग होने के साथ सेल्स एलोंगेटेड भी हो सकती हैं, इरेगुलरली थिकेंड हो सकती हैं कॉर्नर पर, यानी कि ये सेल्स एलोंगेटेड भी हो सकती हैं, राउंडेड भी हो सकती हैं, हेक्जागोनल भी हो सकती हैं, शेप इनका कोई सा भी हो सकता है, लेकिन खास पहचान और खास बात इनकी ये है कि ये कॉर्नर पर थिक होती हैं। आप देखिए हर सेल का जो कॉर्नर है उस पर रेड कलर का थिकनेस है, तो रेड कलर का थिकनेस होने की वजह से ही ये स्ट्रॉन्ग सेल्स होती हैं, इनमें मैकेनिकल सपोर्ट। आप लोग जानते हैं कि कोई भी अगर प्लांट है तो उस प्लांट को अगर हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक टहनी को अगर हम लोग पकड़ करके उसको खींचते हैं, झुकाते हैं, और जब छोड़ते हैं तो फिर से वैसे ही अपनी पोजीशन को रिटेन कर लेती है। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, यानी कि जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो किस वजह से आती है, इसी टिश्यू की वजह से आती है, कॉलिंगकाइमा की वजह से। तो कॉलिंगकाइमा की वजह से क्यों आती है, क्योंकि इसके कॉर्नर जो होते हैं वो थिक होते हैं, तो सेल्स इजीली अलग नहीं होती हैं। और सबसे खास बात देखिए, अभी हम लोग पेरेंकाइमा में पढ़ के जो आ रहे हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता था पेरेंकाइमा में, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा, तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। तो आप देख ही रहे हैं, देर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है। हेमी सेलुलोज मेक्स द
कॉर्नर थिकेंड। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो कॉर्नर पर थिकनेस है रेड कलर की, वो क्या है, हेमी सेलुलोज। और हेमी सेलुलोज क्या होता है, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ही क्या है, हेमी सेलुलोज है। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, सेलुलोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ में कुछ दूसरे सब्सटेंस मिले होते हैं, इसीलिए इसको हम हेमी सेलुलोज कहते हैं। तो ये इसका डिपोजिशन होता है कोलेनकाइमा के सेल्स के कॉर्नर पर। अब कोलेनकाइमा टिश्यू कैन बी लोकेटेड इन द लीफ, प्रेजेंट कहाँ होगा, अभी आपको बताया मैंने, जहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर होते हैं। ये लीफ के स्टाक, लीफ के स्टाक का मतलब ये स्टाक होता है लीफ का, जैसे एक कोई भी डंठल है लीफ का, ये तो ये आप, ये लीफ हो गई, और इसका ये वाला पोर्शन जो है इतना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाक। तो ये लीफ के स्टाक में होगा, और कहाँ पर होगा, बिलो द एपिडर्मिस, यानी कि लीफ के स्टाक ऊपर से, अगर हम ऊपर की लेयर को थोड़ा सा अंदर जाके उस स्टाक में देखेंगे, तब हमको बिलो द एपिडर्मिस हमको मिलेगा। फिर इसमें और क्या खास बात होती है, और खास बात होती है इसमें न्यूक्लियस इज स्मॉल एंड सेल वैक्यूल इज लार्ज। आप देख रहे हैं इसमें सेल वैक्यूल बड़ी होती है, जो अभी आप पैरेन्काइमा में भी देखा था, सेल वैक्यूल बड़ी होती है, न्यूक्लियस बड़ा छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाएगा, जितनी सेल वैक्यूल साइज में बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है भरा हुआ, तो साइटोप्लाज्म भरे होने की वजह से अब सेल वैक्यूल मान लीजिए छोटी है, तो न्यूक्लियस साइज बड़ा होगा। लेकिन अगर ये सेल वैक्यूल और बढ़ जाएगी, तो सेल वैक्यूल जितनी बढ़ती चली जाएगी, तो न्यूक्लियस साइज में उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो न्यूक्लियस इनका छोटा होता है, सेल वैक्यूल बड़ी होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, साइटोप्लाज्म डेंस का मतलब गाढ़ा होता है। फिर अब फंक्शन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट्स इज ड्यू टू द कोलेनकाइमा, इट अलाउज, अभी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात कर ही चुके हैं हम लोग, इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन पेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। आप जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी प्लांट का पार्ट जो आप, जिसको हम बेंड करें, और बेंड करने के बाद वो फिर से अपनी पोजीशन को रिटेन कर ले, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी किस टिश्यू की वजह से आती है, कोलेनकाइमा की वजह से आती है। फिर इसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब प्लांट जो सीधे खड़े रहते हैं, तो लगभग उसमें भी मैकेनिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो आप लोग कोलेनकाइमा को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर है, देखिए वॉल में थिकनेस हो गई, न्यूक्लियस छोटा हो गया, वैक्यूल बड़ी हो गई, सेल वॉल यानी कि आपस में बिल्कुल मिली रहती है, इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। तो ये इसका वर्टिकल सेक्शन है। वर्टिकल सेक्शन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जैसे ये प्लांट है, हम जब इसको इस तरह से काटेंगे, तो ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, जो आपका ये देख रहे हो, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब इसको हमने काटा, तो हमें इसको काटने पर जो ऐसे दिखाई देगा ऊपर से, तो ये क्या है, TS, ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको शॉर्ट में TS बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने किसी भी प्लांट की टहनी या प्लांट के स्टेम या रूट किसी भी पार्ट को हमने इस तरह से काटा, यानी वर्टिकल प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन में काटेंगे तो हमें ये प्लांट इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए। तो जब इस तरह से दिखाई देगा, तो ये हमारा कौन सा सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे तो सेल्स हमें इस तरह की दिखाई देंगी, और वर्टिकल सेक्शन काटेंगे तो हमें सेल्स इस तरह की दिखाई देंगी। अब आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। चलिए हम लोग नेक्स्ट टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टिश्यू ये जो है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ये अपने आप में बहुत खास होता है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए। कोलेनकाइमा भी बहुत खास होता है, पेरेन्काइमा भी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको स्पेशल पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस होती है वो थोड़ी सी स्पेशल होती है। कैसे, आप देखिए पहले तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स, इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, यानी कि प्लांट में जो हार्डनेस आती है, आप जानते हैं कोई भी छोटा पौधा होता है, उसको हम लोग बेंड करते हैं, वो सीधा खड़ा हो जाता है, तो कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, इसका मतलब ठीक है। लेकिन अगर उसमें वुड नहीं बनी है, यानी कि वुड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। लेकिन जिस प्लांट में अगर वुड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वुड के फॉर्मेशन होने की वजह से ही हम लोग समझ जाते हैं कि ये स्क्लेरेन्काइमा इसके अंदर बनने लगा है। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, प्लांट को हार्ड और स्टिफनेस देता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, अब आप लोग बिल्कुल अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखिए कोकोनट के ऊपर इस तरह से जो हस्क होता है, ऊपर से जो आप देखते हैं ना फाइबर की तरह, बहुत सारा ये हस्क जो होता है, ये इस तरह से फाइबर फाइबर बहुत ज़्यादा, जो स्पॉन्जी
ये जो पोर्शन इसके ऊपर लगा रहता है, ये भी किसके बने होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा के। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो बहुत हार्ड होते हैं, आप लोग को नारियल छीलने में भी दिक्कत होती है। तो फिर ये इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, आप समझ गए। दूसरा देखिए, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। ये सेल्स कैसी होती हैं? डेड। अब देखिए बहुत खास बात ये है, पैरेन्काइमा लिविंग, कॉलेन्काइमा लिविंग, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा ये डेड टिश्यू है। तो डेड टिश्यू है इसीलिए हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो पफीनेस नहीं रहती है, या फिर मतलब इसके अंदर जो लूजनेस नहीं रहती है, क्योंकि इसके अंदर का साइटोप्लाज्म पूरा सूख जाता है, न्यूक्लियस भी सूख जाता है, केवल सेल वैक्यूल प्रेजेंट रहती है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। अब देखिए बहुत ध्यान से, खास बात यह है, वहां पर हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो जो कॉलेनकाइमा था उसके केवल किनारे थिक थे, ये इस तरह से किनारों पर क्या था, ये डिपोजिशन था हेमी सेलुलोज का इस तरह से, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा थिकनेस, पूरी एक मोटी थिक लेयर जम गई है। तो आप ये पतली सी लाइन मिडिल में देख रहे हैं, वो तो क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर दोनों तरफ से क्या है, डिपोजिशन। ये डिपोजिशन यानी कि सेल वॉल को और थिक बना दिया, किसने बना दिया, लिग्निन ने। तो ये लिग्निन क्या है, लिग्निन भी एक टाइप का क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ही क्या है, ये सेल्स काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। अ केमिकल सबस्टेंस विच एक्ट एट द सीमेंट एंड हार्डेंस देम, यानी लिग्निन सीमेंट की तरह काम करता है और इनको हार्ड कर देता है। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, यानी कि आप समझ सकते हैं सेल के बीच में बहुत ज़्यादा एकदम सीमेंटेड हो जाता है, तो सेल के बीच में स्पेस नहीं बचता, तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जब आप टिश्यू, जिस टिश्यू के सहारे प्लांट क्या करता है, वाटर को अपटेक करता है, यानी वाटर जिस टिश्यू के सहारे, मतलब प्लांट जिस टिश्यू के सहारे वाटर को ऊपर लेता है और फूड को डिफरेंट पार्ट में भेजता है, तो उस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू के चारों ओर उसको गार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कौन प्रेजेंट होता है, ये स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। तो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल इन द वेन्स ऑफ लीव्स। वेन्स ऑफ लीव्स क्या होता है, अब आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं, लीफ में ये जो वेन्स होती हैं, आप देखते हैं ना इस तरह से, ये इस तरह से ये जो वेन्स होती हैं, इन वेन्स में भी कौन सा टिश्यू होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है। इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स। आप जानते हैं सीड के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है, आपने कभी कभी देखा होगा जो आपका पाम सीड होता है, पाम, ठीक है, आप खजूर खाया होगा तो खजूर का सीड जो होता है, तो आपने देखा होगा डेट, ठीक है, जो डेट सीड होता है, तो आपका डेट सीड के ऊपर भी जो हार्ड कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, इसी की बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की। एंड नट्स, देखिए आप लोग जो पीनट खाया होगा, तो आपने पीनट के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है, तो ये पीनट के ऊपर जो हार्ड कवरिंग, आप जहाँ आपने कभी पीनट खाया होगा, तो पीनट के ऊपर जो हार्ड कवरिंग जो होती है, तो वो किसकी बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसके ट्रांसपोर्ट में, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कौन, स्क्लेरेन्काइमा। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो था आपका डिफरेंट टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू। हम लोग इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैस्कुलर टिश्यूज, या फिर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में, जो कि आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन अगर आपकी क्वेरी हो या आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। थैंक यू।